गुड्डू और मैं हूँ लड्डू। आप हमें खाने वाली हैं? दोस्त इसीलिए तो होते हैं। हम फिल्म की शुरुआत में हम एक आइलैंड को दिखाया जाता है जहां हम सैमी नाम के एक ओल्ड सी टर्टल को देखते हैं। वो अंडे से बाहर निकले बेबी टर्टल्स को गड्ढे से बाहर निकालने में उनकी मदद कर रहा होता है और उसकी मैड सैली बेबीज को सेफली समुद्र की ओर ले जा रही होती है। वो दोनों आज ग्रैंड फादर ग्रैंड माँ बनने के कारण बहुत खुश होते हैं। उतने में वहाँ सैमी का दोस्त रे आ जाता है और तभी एक सीगल उनमें से एक बेबी टर्टल का शिकार करने आ जाता है। सैमी और रे उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं पर तब और भी सीगल बेबीज का शिकार करने आ जाते हैं, लेकिन उतने में कुछ शिकारी वहां आकर उन पर जाल फेंक देते हैं। बाकी के सीगल तो वहां से बच निकलते हैं पर रे और सैमी एक सिंगल जाल में फंस जाते हैं और वो शिकारी उन्हें वहां से लेकर जाने लगते हैं। सैमी सभी बेबीज को वहां से समुंदर में भागने को कहता है पर उन्हीं में से एला और रिकी नाम के दो बेबी टर्टल अपने ग्रैंडपा को इस हाल में नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो सैमी के मना करने के बाद भी उसकी बात नहीं मानते और रीटा और सैली चाहते हुए भी अपने मेट रे और सैमी को नहीं बचा पाते। वो शिकारी सैमी और रे को एक टैंक में डाल देते हैं जहाँ से वो अपने आप बाहर नहीं आ सकते थे। वहाँ उन्हें लू नाम का एक लॉबस्टर मिलता है जो अक्सर ही गुस्से में रहा करता था। एला और रिकी भी उस जाल के साथ वहाँ आ चुके थे और अपनी ग्रैंडपा के लिए उसी टैंक में आ जाते हैं। सैमी उन्हें वहाँ पर देखकर बहुत निराश होता है और उन्हें वहाँ से बाहर भेजने की कोशिश करता है पर वो उसी के साथ रहना चाहते थे। सैमी और रे की कोशिश करने के बाद भी वो रिकी और एला को निकाल नहीं पाते। तभी उन्हें वहाँ पर वही सीगल नजर आता है जो एक केज में बंद होता है और उन्हें ना चाहते हुए भी उससे ही मदद मांगनी पड़ती है। सैमी उस सीगल से एक डील करता है कि वो इस केस से उसे रिहा कर देगा पर उसके बदले में उसे दोनों बेबी टर्टल्स को बिना उनका शिकार किए समुंदर में पहुंचाना होगा। सीगल उसकी बात मान जाता है पर सैमी जैसे उस केस से बाहर निकलता है वो वहां से उड़कर चला जाता है। इससे सैमी और रे को लगता है कि वो सीगल ने उन्हें धोखा दिया था पर थोड़ी देर बाद वो सीगल अपनी पूरी ग्रुप के साथ वहां पर आ जाता है और सैमी और रे की मदद करने की कोशिश करता है पर आखिर में उसका भी कोई फायदा नहीं होता और उन्हें अपनी ही जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। उसी टैंक में रिकी और एला को एक डेड फिश नजर आती है पर असल में वो एक ब्लॉक फिश होता है जिसका नाम जिम्बो था और वो बस मरने का नाटक कर रहा था। सैमी और रे उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि हमें कहां ले जाया जा रहा है। तब जिम्बो उनसे कहता है कि हमें वो आर्टिफिशियल एक्वेरियम में ले जा रहे हैं क्योंकि जिम्बो पहले भी वहां पर जा चुका था और किसी तरह से वो वहां से बचने में कामयाब हो गया था पर अनफॉर्चुनेटली वो दोबारा पकड़ा गया। इसके बाद उन्हें दुबई के एक एक्वेरियम में लाया जाता है जहां वो कैचर सैमी रेलू और जिम्बो को उस एक्वेरियम के मैनेजर को सेल कर देता है पर एला और रिक की डर के कारण उसी टैंक में छुप जाते हैं। वहीं हम उस अंडर वाटर एक्वेरियम को देखते हैं जहां बहुत से लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए आए हुए होते हैं। रे और सैमी भी उसी एक्वेरियम में होते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ऐसी कोई जगह नहीं देखी होती है इसीलिए वो जगह उन्हें बहुत अजीब लगती है। तभी सैमी नोटिस करता है कि रिक और एला उनके साथ नहीं थे जिस वजह से सैमी को बहुत चिंता होने लगती है। तभी वहाँ पर एक फिश कपल आ जाते हैं जो जिम्बो को वापस देखकर बहुत हैरान होते हैं। सैमी और रे एला और रिकी को ढूंढने लगते हैं ताकि उन्हें लेकर वो वहाँ से निकल सके पर वो फिश कपल उनसे कहते हैं कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है और फिर बिग भी ही इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकता है। दूसरी ओर एला और रिकी अभी भी उसी टैंक में छुपे होते हैं पर उसकी सफाई के लिए एक पोस्टर उस टैंक को खाली कर देता है और रिकी और एला वहाँ से निकलकर समुंदर में आ पहुँचते हैं। वहीं बिग बी के दो चमचे लूकस और एडम रे और सैमी को देख लेते हैं और अपने बॉस बिगबी को इसकी खबर देते हैं जो कि एक सी हॉर्स था पर वो दिमाग से बहुत शातिर था। लूकस और एडम उसे बताते हैं कि जिम्बो वापस आ गया है और उसके साथ दो बड़े टर्टल भी हैं। ये सुनने के बाद बिगबी उनसे मिलने जाता है पर वो उन्हें कुछ नहीं करता। वहाँ वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और बिगबी उन्हें उस जगह के बारे में बताता है। उस दौरान उन्हें अल्बर्ट नाम का एक फिश भी नजर आता है जो हर समय वहाँ के कांच को तोड़ने की कोशिश करता रहता था इस उम्मीद में कि एक दिन ये कांच जरूर टूट जाएगा। आगे वो देखते हैं कि बिगबी ने उनके लॉबस्टर दोस्त को बांधे रखा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा घमंडी था और किसी भी अनजान जीव को अपने एरिया में नहीं आने देता था पर सैमी के कहने पर वो लू को आजाद कर देता है। इसके बाद वह उन्हें एक केव एरिया में ले जाता है जहां बहुत से जीव उसके कहे अनुसार सीक्रेटली उस जगह से निकलने का रास्ता बना रहे होते हैं। वहीं जैक्स नाम का एक फिश डरते हुए भागकर बिगबी के पास में आता है क्योंकि उसे लगता था कि एक्वेरियम में घूमने आए लोग उसे कभी भी अपना शिकार बना सकते हैं। तब
बिग भी उसे शांत करने के लिए कहता है कि उसे ग्रुप में रहना है और अकेले बिल्कुल भी नहीं घूमना है। वहीं हम रिकी और एला को देखते हैं जो अपने ग्रैंडपा की तलाश कर रहे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात एनाबेल नाम की एक बेबी ऑक्टोपस से होती है जो बहुत ही फ्रेंडली होती है और वो बहुत ही जल्दी दोस्त बन जाते हैं। पर जिस दौरान वो आपस में खेल रहे होते हैं तभी एनाबेल की माँ मार्गरेट वहाँ पर आ जाती है। रिकी और एला के बारे में पूछने पर वह खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं कि वो अपने ग्रैंडपा की तलाश में निकले हैं जिन्हें एक्वेरियम नाम के एक बड़े से टैंक में ले जाया गया है। वो मार्गरेट से उन्हें ढूंढने में उसकी मदद मांगते हैं जिसके लिए मार्गरेट आखिर में मान जाती है और वो साथ में एक्वेरियम की तरफ जाने के लिए निकल जाती है। वहीं लू एक्वेरियम में आए कुछ विजिटर्स को लॉबस्टर को बुरी तरह से काट कर खाते हुए देख लेता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है और भागते हुए जाकर इस बारे में सैमी और रे को भी बताता है पर वो उसे सीरियसली नहीं लेते। वहीं जिम्बो उन्हें वहां से एक बार स्लिप होने की अपनी कहानी बताता है कि कुछ लोग अक्सर यहाँ सफाई के लिए आया करते थे इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं इनके सामने मरने का नाटक करूं तो वो मुझे समुद्र में वापस फेंक देंगे क्योंकि मैं उनके लिए स्वादिष्ट नहीं था और मेरा ये प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होने वाला था। पर जो इंसान मेरी जांच करके मुझे समुद्र में फेंकने वाला था वो बहुत देर तक फोन में ही बिजी होता है जिस कारण मैं काफी देर तक बिना पानी के तड़पता रहा पर किसी तरह से आखिर में मैं वहां से निकलने में कामयाब रहा। रे और सैमी उन्हें भी वहां से निकलने का कोई प्लान पूछते हैं तभी बिग भी वहां आकर उनकी बात सुन लेता है और उन्हें एक आइडिया सजेस्ट करता है। वो उसके बताए अनुसार रास्तों की ओर जाने लगते हैं। उस दौरान वो पैगविन के एरिया से भी होकर गुजरते हैं पर लॉबस्टर वहां के पाइप से खींचा चला जाता है। यह देखकर उन्हें लगता है कि वह मारा गया। इसे सैमी और रे बिग बी पर बहुत गुस्सा करते हैं और उससे कहते हैं कि उसका आइडिया बिल्कुल बकवास था। इस पर बिग बी कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उस लॉबस्टर को पाइप से खुद ही सतर्क रहना चाहिए था। और फिर वो उन्हें अपना दूसरा प्लान दिखाता है जिसके अनुसार उन्हें एक डॉल्फिन के मुंह में छुपते हुए एक्वेरियम के कंक्रीट टैंक की ओर पहुंचना था और फिर वो आसानी से वहां से भाग सकते थे। पर उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है और उसकी वजह से डेमो दिखाने वाली दोनों फिशेस भी मारी जाती हैं। ये देखने के बाद बिग बी इसका ब्लेम खुद पर ना लेते हुए वहां से चला जाता है। इससे सैमी और रे को उस पर बहुत गुस्सा आता है पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब तक उन दोनों को समझ में आ चुका था कि यह जगह उनके लिए नहीं बनी है और कैसे भी वो वहां से बाहर जाना चाहते थे। तभी जिम्बो वहां आकर उन्हें बताता है कि अभी अभी मैंने एला और रिकी को देखा क्योंकि वाकई वे दोनों मार्गरेट की मदद से वहां तक पहुंच गए थे। सैमी और रे भी भागते हुए उनसे मिलने आते हैं और वो एला और रिकी को सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं। पर वो समुंदर और एक्वेरियम के जंक्शन के कारण एक दूसरे से सेपरेटेड थे और आपस में मिल नहीं सकते थे। तभी सैमी और रे दो खतरनाक फिशेस को एला और रिकी के शिकार के लिए उनकी तरफ आते हुए देखते हैं जिस बात से रिकी और एला अनजान होते हैं। वो उन्हें इस बारे में बताने की कोशिश करते हैं पर मजबूत कांच के कारण उन्हें उनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती लेकिन समय रहते उन्हें इस बारे में पता चल जाता है और वह उनसे बचकर भागने लगते हैं। वो फिशेस भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। सैमी और रे को उनकी बहुत चिंता होती है पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। उन फिश के रिकी और एला को पकड़ने का सिलसिला बहुत देर तक यूं ही जारी रहता है और एट द लास्ट वो एक चैम्बर में घुसकर उनसे बच जाते हैं। वहीं सैमी अभी भी अल्बर्ट को ग्लास तोड़ने की कोशिश करता देख उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं है और वो ये कांच कभी नहीं तोड़ सकता। इस पर अल्बर्ट कहता है कि मुझे इस बात का अच्छे से पता है पर यहाँ पर यूं ही बैठे रहने से अच्छा है कि हम यहाँ से निकलने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। अल्बर्ट की बातें सुनने के बाद सैमी जब एक बेबी ऑक्टोपस अपनी बॉडी से डार्क इंक स्प्रे करते देखता है तो उसे एक आइडिया आता है। वहीं रिकी और एला जिस दौरान एक्वेरियम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं उसी दौरान उन्हें एनाबेल की आवाज सुनाई पड़ती है जो एक जगह फंसी होती है और मदद के लिए आवाज लगा रही होती है। वो एनाबेल को मुसीबत में देखकर उसे वहां से सेफली बाहर निकाल देते हैं और वो वहां से बाहर आते ही अपनी माँ मार्गरेट को उनकी मदद के लिए बुलाने चली जाती है। और जिस दौरान सैमी बाकी सबके साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा होता है तभी उन्हें रिकी और एला नजर आते हैं पर क्योंकि वह एक्वेरियम के बाहर होते हैं इसलिए वो सैमी की बात नहीं सुन सकते थे। इसीलिए सैमी उन्हें एक्ट के जरिए समझाने की कोशिश करता है कि वो ऑक्टोपस की डार्क इंक को अपनी बॉडी में लगाकर मरने का नाटक करेंगे और सभी जीवों को मरा हुआ समझकर उन्हें एक्वेरियम से बाहर निकाल दिया जाएगा। पर एला और रिकी को उनकी बात समझ में नहीं आती इसीलिए वो वेंट के जरिए उनसे बात करने का प्लान करते हैं पर उसके लिए उन्हें पहले श्रेडर से होकर गुजरना पड़ेगा जिस बात से वो अनजान थे। इस वजह से रे और सैमी को उनकी बहुत चिंता होने लगती है पर नीचे आते ही वो पानी के बहाव के साथ अंदर की ओर जाने लगते हैं। किसी तरह से रिकी तो खुद को बचा लेता है पर एला अंदर की ओर खींचने लगती है पर फॉर्चुनेटली
वो श्रेडर से बच जाती है और वेंट तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। वहां वो डार्क किंग को देखती है जिससे उसे सैमी का आइडिया समझ आ जाता है। दूसरी ओर रिकी जिस दौरान मदद के लिए आवाज लगा रहे होते हैं तब एनाबेल उसकी मदद के लिए वहां पर जाती है जो अपनी माँ मार्गरेट को अपने साथ लाई होती है। वो रिकी को वहां से बाहर निकाल देती है। उतने में एला भी वहां पर पहुंच जाती और वो उन्हें सैमी का प्लान बता देती है जिसे वो मार्गरेट की डार्क किंग स्प्रे करने में उसकी मदद मांगती है जिसके लिए वो मान जाती है और बहुत ज्यादा डार्क किंग की डिमांड होने के कारण वो अपने ऑक्टोपस दोस्त को भी ले आती है। बिग्बी को उसका ये प्लान बहुत बकवास लगता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद सैमी और रे ऑक्टोपस को उनके सिग्नल देने तक का वेट करने को कहते हैं और इस दौरान वो एक्वेरियम के सभी जीवों को अपना प्लान बता देते हैं। पर बिग्बी को लगता है कि ये सब करके सैमी सबकी नजर में उनका लीडर बन जाएगा, इसीलिए उसे बहुत जेलियस होती है और वो उसे खत्म करने की कोशिश करता है। पर सही समय पर रे वहां पर पहुंच जाता है और उनका सामना करता है। तभी बाकी के जीव भी वहां पर आ जाते हैं और उन्हें भी बिग्बी का इरादा पता चल जाता है। असल में वो कभी चाहता ही नहीं था कि कोई भी जीव यहां से बचकर बाहर निकल सके ताकि वो हमेशा ही उनका लीडर बना रह सके, और वो बस बाकी जीवों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था कि वह केव में यहां से बचने का रास्ता बनवा रहा है, जबकि असल में वो सब बस उसका दिखावा था ताकि सभी उसे अपना लीडर मानता रहे। उसके किए के लिए सभी उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं और सभी जीव वेंट के पास एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं जहां बाहर से सभी ऑक्टोपस उन पर डार्क किंग स्प्रे कर रहे होते हैं और उसे अपनी बॉडी पर लगाने के बाद सभी क्रिएचर एक्वेरियम के वेटर्स के सामने ऐसा दिखावा करते हैं जैसे वो सभी मरने वाले हैं। और पानी में डार्क इंक को देखकर सभी को लगता है कि शायद पानी में ऑयल फैल चुका है जिसे सभी क्रिएचर को खतरा हो सकता है और उन्हें लगता है कि शायद इसी कारण से सभी क्रिएचर मारे जा रहे हैं। इसलिए वहां आए सभी विजिटर्स मैनेजर को इमरजेंसी डोर ओपन करने के लिए फोर्स करने लगते हैं ताकि सभी समुन्द्र पहुंचकर अपना बचाव कर सके। और आखिर में विजिटर्स के आक्रोश को देखकर मैनेजर को इमरजेंसी डोर ओपन करना पड़ता है जिसे सभी क्रिएचर जल्दी से एक्वेरियम से निकलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि लू अभी भी जिंदा होता है जो खुद भी सिक्योरिटी और मैनेजर पर अटैक करके बाकी सबके साथ वहां से स्किप कर जाता है और फाइनली गेट बंद होने से पहले सभी क्रिएचर वहां से निकलने में कामयाब रहते हैं। सभी समुन्द्र में वापस पहुंचने के कारण बहुत खुश होते हैं और बिग्बी को भी अपनी गलती समझ में आ चुकी थी और वो भी उनके साथ बाहर आ जाता है। अंत में सभी जीव सैमी रे और ऑक्टोपस को उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और इस तरह से सैमी और रे रिकी और एला के साथ अपनी लेन पर वापस आ जाते हैं और हैप्पी रहने लगते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।